बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाज़रीन, आप कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह पाक आप तमाम को खैरियत और आफियत से रखे। अल्लाह पाक मुसलमानों की माल की जान की इज़्ज़त की आबरू की हिफाजत फरमाए। आज की वीडियो बनाने का मकसद है ये कि हम इसमें इस वीडियो में इल्म नहव के बारे में, यानी कि इल्म नहव के अंदर इसम किसे बोलते हैं, फ़ेल किसे बोलते हैं, हर्फ किसे बोलते हैं, और आपके सामने अरबी ग्रामर बताएंगे इंशाल्लाह ताला। तो मुकम्मल जो है वीडियो देखने की नियत कर लें। जो हमें नए हमारे चैनल पर, वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक किया करें, कमेंट दिया करें आपको ये वीडियो कैसी लगी। आइए शुरू करते हैं। यानी कि इसम यानी नाउन, फेल यानी वर्ब, हर्फ, लेटर और उनकी अलामात का बयान हम जानेंगे इस वीडियो में इंशाल्लाह। कलमे की अकसाम, कलमे की तारीफ आपको मालूम होनी चाहिए। अकेले मौजू लफ्ज़ को कलिमा कहते हैं, अकेले मौजू लफ्ज़ को कलिमा कहते हैं। जैसे जमलुन, जमलुन अकेला लफ्ज़ है, इसकी मीनिंग भी है, ये मौजू लफ्ज़ है, इसका मतलब होता है ऊंट। सबसे पहले जो कलमे की तीन किस्में हैं, कलमे की तीन किस्में हैं, नंबर एक इसम यानी नाउन, नंबर दो फेल यानी वर्ब, नंबर तीन हर्फ यानी लेटर। आइए सबसे पहले इसम की तारीफ आपके सामने पेश करते हैं। जो कलिमा अकेला अपना माना जाहिर करे, उसमें कोई ज़माना यानी माजी, हाल, इस्तकबाल, पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर, उसके अंदर कोई ना कोई ज़माना ना पाया जाए, उसे इसम कहते हैं। जैसे अलमुन, दोबारा सुन लें। जो कलिमा अकेला अपना माना जाहिर करे, उसमें कोई ज़माना ना पाया जाए, यानी माजी और हाल और इस्तकबाल, कोई ज़माना उसमें ना पाया जाए, उसे इसम कहते हैं। जैसे कलमुन, जैसे जमालुन, जैसे किताबुन, ये अकेला अपना माना जाहिर कर रहा है, इसमें कोई ज़माना नहीं पाया जाता, हम इसे इसम कहते हैं यानी नाउन कहते हैं। आइए वर्ब यानी फेल की तारीफ करते हैं आपके सामने। जो कलिमा अकेला अपना माना जाहिर करे और उसमें कोई ज़माना भी पाया जाए, उसे फेल कहते हैं, उसे वर्ब कहते हैं। ज़माने यानी कि माजी, हाल, इस्तकबाल, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, उसके अंदर कोई ना कोई ज़माना होता है फेल के अंदर, इसम में कोई ज़माना नहीं होता, ये आपने ख्याल रखना है। मिसाल के तौर पे जैसे है दाराबा, मारा उस एक मर्द ने, यानी माजी के अंदर तो इसमें ज़माना पाया जा रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, फेल कहेंगे। इसी तरह शारिबा, उसने पिया, अकला, उसने खाया, नामा, वो सोया वगैरह जालिक, इन्हें क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं, फेल बोलते हैं। अब हर्फ, क्योंकि कलमे की तीन किस्में थी, इसम, फेल, हर्फ, हर्फ और जो कलिमा अकेला अपना माना जाहिर ना करे, उसे हर्फ कहते हैं। जैसे मिन, इसका मतलब से, इला, ये भी हर्फ है, इसका मतलब तक। तो हमने जान लिया यानी कलमे की तीन किस्में, इसम, फेल और हर्फ। ज़माने तीन हैं, माजी यानी पास्ट यानी गुजरा हुआ ज़माना, हाल प्रेजेंट यानी मौजूदा ज़माना, मुस्तकबिल यानी फ्यूचर आने वाला ज़माना।